नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3X 5G वर्सेस TechnoSpark 20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3X में 6.52 इंच जबकि Spark 20 Pro में 6.63 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A3X में 2.99 इंच जबकि Spark 20 Pro में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A3X में 0.3 इंच जबकि Spark 20 Pro में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3X से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3X में 187 ग्राम्स जबकि Spark 20 Pro में 198.8 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि A3X से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3X में LCD जबकि Spark 20 Pro में LTPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A3X में 20:9 जबकि Spark 20 Pro में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A3X में 6.67 इंचेस जबकि Spark 20 Pro में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3X में 720x1604px HD+ और Spark 20 Pro में 1080x2460px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3X में 85.29% जबकि Spark 20 Pro में 85.13% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3X में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark 20 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3X में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेंसर देखने को मिलता है। और Spark 20 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 4 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3X में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Spark 20 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो A3X में Mali G57 MC2 जबकि Spark 20 Pro में Mali G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3X में MediaTek Dimensity 6300 और Spark 20 Pro में MediaTek Dimensity 6080 मिलता है। बात करें RAM की तो A3X में 4GB जबकि Spark 20 Pro में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A3X में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Spark 20 Pro में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A3X में अप टू 2TB जबकि Spark 20 Pro में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3X में 5100 mAh जबकि Spark 20 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3X में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Spark 20 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A3X 5G में 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें टेक्नो स्पार्क 20 प्रो 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में स्पार्क 20 प्रो आगे है, मेन कैमरा में स्पार्क 20 प्रो आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।